पुलिस चौकी गंगकत के अंतर्गत रप्पड़ पंचायत के गांव रप्पड़ में पत्नी ने अपने पति पर कातिलाना हमला कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला उस समय घटित हुआ जब रप्पड़ गांव का निवासी रविंद्र कुमार, जो कि सीआरपीएफ में कार्यरत है और पिछले सप्ताह ही आसाम से घर छुट्टी आया था। शिवसेना पंजाब हिमाचल की महासचिव ने परिवार की रक्षा के लिए सरकार व प्रशासन से अपील की है। रविंद्र कुमार ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि उसकी पत्नी अमना देवी बहुत ही खराब छवि की औरत है और वह मुझे जान से मरवाना चाहती है और मेरा जो भी नौकरी का पैसा है उसे हड़प कर ऐशो आराम करना चाहती है। उसी कड़ी के चलते उसने ट्रैक्टर सहित कुछ गुंडों को मेरे घर में बुलवा कर घर में रखी ईंटें उठानी चाहिए। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने ट्रैक्टर लेकर आए गुंडों से लोहे के भारी भरकम रॉड से मेरे सिर पर यकायक हमला कर मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह से जान बचाने में कामयाब हो गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। रविंद्र कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी पहले भी मेरे माता पिता और छोटे भाई की पत्नी को बुरी तरह से पीट चुकी है, जिसकी रिपोर्ट गंगत पुलिस चौकी में विचाराधीन है और उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी और अब इसने मुझ पर ही जानलेवा हमला किया है। सीआरपीएफ के जवान ने पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है कि मुझे और बाकी के परिवार की इस औरत से जान माल की रक्षा की जाए। मैं रविंद्र कुमार, सानव श्री वकील सिंह, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस रप्पड़, बाया गंगा, तहसील नूरपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कल की बात है सर, 17 जुलाई की। मेरी पत्नी श्रीमती अमना कुमारी, सुबह तकरीबन 8:15 बजे की बात है, मैं अपने लेंटर के छत के ऊपर था और इस मोड़ के पास में एक ट्रैक्टर वाले, ट्रैक्टर के पास में दो बंदे नीचे थे, दो बंदे ट्रैक्टर के बीच में थे और ट्रैक्टर वाले और एक स्कूटरी भी खड़ी थी उस साइड में। उन्होंने मुँह, मैंने सोचा कि हो सकता कि ये करेले कुरेले भरने आए हैं, लेकिन जैसे मैं ऊपर से नीचे गया हूँ तो उधर से मेरी पत्नी श्रीमती अमना कुमारी स्कूटरी के साथ आगे, उधर से जो ट्रैक्टर वाला था उनको बोला वापस लाओ ट्रैक्टर, आप जल्दी जल्दी ईंटें भरो आप। तो मैंने बोला कि मेरे पैसे से ईंटें आई हुई हैं, ये आपको ईंटें चाहिए तो आप ले लो, कहाँ ले जानी ईंटें। बोला मैंने घर बनाना है, नया बनाना है, घर बनाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपको घर बनाना, आप पैसे आपके पास हैं, आप खरीद लो और ईंटें, ये मेरे पैसे हैं और मेरी पैसे से ईंटें आई हुई हैं, मैंने नहीं इसको जाने देना। अरे तेरे बाप की हैं, 50,000 दे और ले जाओ ईंटे को, फिर मैं खरीद लूँगी, 50,000 दो। और मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, जितने भी पैसे हैं वो आपने निकाल लिए हैं, मेरे पास तो कुछ पैसे फूटी कौड़ी भी नहीं है। इतने में जस्ट में करके मेरे को उसने हाथापाई करके सीधा उसमें ट्रैक्टर के पास गई और राड निकाला, जहाँ पर बड़े वाले पहियों वाला ट्रैक्टर का जो जो चाबी होती है, उधर से मेरे को जगह करके 5-7 बार जोर जोर से उसने राड मार दिया, जिससे मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो गया और मेरे को पता नहीं, होश नहीं रही कि मेरे पास क्या हो रहा है। मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कर सका, इसलिए कर सका नहीं क्योंकि कानून से हम बंधे हुए हैं, चल सकता कि ये फौजी के दिल में है क्या है। इस औरत ने जितना भी मेरा अकाउंट है, पूरा जो भी मेरी 30 साल की सर्विस सैलरी है, मेरा GPF तक पूरा ही इंक्लूड करके पूरा इसने जब्त कर दिया। मेरे पास अभी एकमात्र पैसा नहीं बचा है, नहीं तो मेरा अकाउंट चेक कर लिया जाए कि इसने कितना पैसा निकाला और मैंने कितना निकाला है। और कल को खुदा न खास्ता मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे परिवार जनी मेरे मदर फादर और भाई के बच्चों को और अन्य रिश्तेदारों को किसी भी स्टेप से कोई भी बात होती है तो जे खुद जे और मेरी पत्नी श्रीमती अमना कुमारी और मेरी सास सुदर्शन देवी, वो भी इसके साथ इन बल्ब है, यदि उसने समझाई होती है तो हो सकता आज नौबत ना आती। इसलिए मैं प्रशासन से दोबारा मतलब अगेन रिपीट करता हूँ कि इस औरत से जितना भी जल्दी हो सके, एक मतलब सैनिक होने के नाते मेरा पीछा छुड़ाया जाए और फिर मैं ताकि जो भी 4 दिन की जिंदगी अपने आराम से। इस संबंध में गंगत पुलिस चौकी प्रभारी पवन गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में आने उपरांत घायल अमना के पति रविंद्र कुमार का मेडिकल करवाया है और सिटी स्कैन की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बारे में जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिली थी सुबह, तो इमीडिएटली मैं मौके पर चले गया था। मौके पर जब मैंने हालात तस्दीक किए तो पाया गया कि अमना देवी जो उसका पति 8/7/20 को अपने घर आया था ड्यूटी से, उसके बाद अमना देवी तो अपने मायके चली गई थी और उसके उपरांत अमना देवी पिछले कल ही सुबह आई थी और वो ईंटें लोड लगी थी तो मैंने वहाँ पर रास्ते में एक ट्रैक्टर को लेके आई थी।
उसको जब उसके पति ने देखा, देवर ने भी देखा, तो जब उन्होंने ये बात बोली कि भैया आप इंटीग्रल रोड कर, उसी पर उनका आपसी हो गया। वो जो उनके पति हैं हरविंदर कुमार जी, वो मौके पे गए, जैसे उन्होंने उसको मना किया, उन्होंने मैंने वहाँ पर जो उसकी टूट फिट पड़ी थी अपने ट्रैक्टर की, उससे उनके सिर पर वार किया था, और मैंने उसी टाइम उसका मेडिकल वगैरह करवा करके नोटर उनका सिर स्कैन भी करवाया, और बाकी पुरानी शीश है। और जैसे रिपोर्ट आएगी कानूनी कार्रवाई, अभी भी वैसे रिपोर्ट लिखी गई है, मामला मारपीट का दर्ज किया गया है, इंक्वायरी हो रही है, बाकी आइंदा जैसी भी आ जाएगी वो तो कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अमरा देवी ने 4 तारीख को भी इस किस्म का हार करी थी और अमरा देवी के खिलाफ इसके और इस उस टाइम भी केस रजिस्टर हुआ है, और 2 अन्य मतलब अपराध रोकने की प्रक्रिया भी उनमें लाई गई है। और अब फिर भी जैसे सबूत पाए जाएंगे तो अमरा देवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मौके अनुसार लाई जाएगी। शिवसेना पंजाब हिमाचल प्रदेश महासचिव रजनी पलाय ने परिवार का समर्थन करते हुए परिवार की रक्षा की प्रदेश सरकार पर प्रशासन से मांग की है। कि जो अमना कुमारी है उसका केस यहाँ हमारी पुलिस चौकी में पहुँचा हुआ है। इसने 4-5 पहले भी ये वारदात कर चुकी है अपने हस्बैंड पर, इसने सास ससुर के ऊपर भी अत्याचार किए हैं, और कल सुबह इसने अपने सर हस्बैंड के सर पे रॉड मार के काफ़ी उसको घायल किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अमना कुमारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए।